हेलो दोस्तों, एक बार फिर बिना एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अभी रीजनिंग में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन का एक क्लास हो चुका है जिसके अंदर मैं आपको टाइप वन क्वेश्चंस के बारे में बताया था। डायरेक्शन के अंदर हम टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से एक टाइप हमारा खत्म हो चुका है। जो हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था वो हमारा टॉपिक है टाइप वन, वो है विच डायरेक्शन मूविंग और फेसिंग। यानी कि इस टाइप में जो क्वेश्चन आ रहे थे, हम क्वेश्चन के लास्ट में जो हमारा सेंटेंस था वो था नाउ इन विच डायरेक्शन ए मैन इज गोइंग और मूविंग और फेसिंग। यानी कि अगर हिंदी में हम समझे तो हमारा क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया, फिर दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, और मुड़ने के बाद वो अब पूछता था कि अब बताइए वो फाइनली किस डायरेक्शन में चल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने बड़ी ही आसानी से सॉल्व करना सीखा था विदाउट मेकिंग एनी फिगर। और इस टाइप के क्वेश्चंस को जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो शायद 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर मैं रिवाइज करूं थोड़ा सा, तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने 4 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था। 4 हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं। हमने पढ़ा था कि उन डायरेक्शन को आप पेपर के ऊपर कैसे इंडिकेट करेंगे। ईस्ट डायरेक्शन राइट में होता है, वेस्ट डायरेक्शन लेफ्ट में होता है, और ऊपर जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है, और नीचे जो डायरेक्शन होता है वो साउथ होता है। यानी कि इधर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। ये 4 हमारी मेन डायरेक्शन थी। और साथ में हमने पढ़ा था 4 सब डायरेक्शन के बारे में। और आपको मैंने बताया था कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री। यानी कि जब भी हम राइट टर्न या लेफ्ट टर्न करते हैं तो वो 90 डिग्री में ही करते हैं। इसके अलावा मेन डायरेक्शन से जो सब डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री का, यानी कि 45 डिग्री का। डायरेक्शंस को पढ़ने के बाद हमने 2 टर्न पढ़े थे, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न। राइट टर्न लेफ्ट टर्न समझाने के लिए मैंने आपको बोला था कि जब भी हम राइट टर्न लेते हैं इसका मतलब हम क्लॉक वाइज घूमते हैं। अगर मैं उत्तर दिशा से राइट टर्न की बात करूं तो उत्तर दिशा से अगर हम राइट टर्न लेंगे यानी क्लॉकवाइज अगर हम घूमेंगे तो पहली हमारी जो दिशा होगी वो होगी ईस्ट, यानी कि पूरब दिशा। और पूरब दिशा से अगर हम घूमेंगे, राइट टर्न लेंगे, तो हम पहुंचेंगे साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में। और साउथ से अगर हम राइट टर्न लेंगे तो हम पहुंचेंगे वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में। ये हमारी 4 दिशाएं थी, यानी कि किस दिशा से राइट टर्न लेंगे तो किस दिशा में हम पहुंचेंगे। राइट टर्न यानी कि क्लॉकवाइज घूमते, घड़ी की दिशा। और लेफ्ट टर्न के बारे में मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टर्न लेने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। अगर आपका मुंह, अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं और आप अगर लेफ्ट टर्न लेते हैं, इसका मतलब है कि आपको पहली दिशा कौन सी मिलेगी, वेस्ट मिलेगी। यानी कि आप नॉर्थ की तरफ खड़े हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं या फिर लेफ्ट घूमते हैं, तो आप पहले कहां पहुंचेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में पहुंचेंगे। और वेस्ट अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो कहां पहुंचेंगे, साउथ डायरेक्शन में पहुंचेंगे। और साउथ से अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप कहां पहुंचते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचते हैं। तो ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैं अभी जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। मतलब वही मैंने आपको बताया था कि राइट टर्न मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा जब हमने क्वेश्चन किया था तो क्वेश्चन करते समय हमने 2 चीजें और सीखी थी। वो थी कि अगर हमने 2 बार राइट लिया या 2 बार लेफ्ट लिया तो उन दोनों का ही मतलब सेम होता है। 2 बार राइट लेने का और 2 बार लेफ्ट लेने का दोनों का ही मतलब सेम होता है। दोनों ही कंडीशन में हमारी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ और वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। तो जब भी आप 2 राइट या 2 लेफ्ट लेते हैं इसका मतलब है कि आपकी दिशा उल्टी हो जाती है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और अगली चीज हमने सीखी थी वो थी अगर आप 4 टाइम यानी कि 4 बार राइट या 4 बार अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आप उसी दिशा में बने रहते हैं जिसमें आप थे। ऐसा इसलिए होता है कि एक बार टर्न लेने का मतलब होता है 90 डिग्री, और अगर आप 4 बार टर्न ले रहे हैं इसका मतलब हो गया आप 360 डिग्री घूम जाते हैं। और 360 घूमने का मतलब होता है कि पूरा घूम के वापस उसी जगह पे आना। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। क्वेश्चन था, हम जो लास्ट क्लास में कर रहे थे उसमें दिया होता था कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और उसने लेफ्ट लिया पहले, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया,
और अब बताइए कि उसका मुंह किस दिशा में। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने फिगर बना के नहीं सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया था वो हमने कैंसिल कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा अप्रोच जो है वो है कि आपको जो भी अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है जिनकी वैल्यू बराबर है उनको आप आपस में कैंसिल कर दीजिए। यानी कि एक बार आपने मान लीजिए कि आप इस दिशा में हैं, आपने एक बार राइट लिया और फिर लेफ्ट ले लिया तो आप वापस उसी दिशा में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप राइट एक राइट को एक लेफ्ट के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने एक राइट को एक लेफ्ट के साथ कैंसिल कर दिया। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा जो क्वेश्चन बचा वो ये बता कि आप ईस्ट से दो बार राइट लीजिए। तो ईस्ट से दो बार राइट लेने का मतलब मैंने क्या बताया कि दो बार राइट लेने का मतलब होता है कि हमारी दिशा उल्टी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारा बन गया कि ईस्ट से अपोजिट डायरेक्शन। तो ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट होता है। अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं इसी में, तो मान लीजिए कि अगर हमने क्वेश्चन लिया कि हमारा जो मुंह है वो स्टार्टिंग में नॉर्थ की तरफ है, उसके बाद हमने जो डायरेक्शन ली हमने राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, या हम कह सकते हैं फिर से लेफ्ट लिया, यानी कि दो बार लेफ्ट ले लिया और दो बार राइट ले लिया। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही रहता है। मैंने आपको बताया कि राइट को लेफ्ट के साथ कैंसिल कर दीजिए, यानी कि मैंने क्या किया, एक राइट को एक लेफ्ट के साथ कैंसिल कर दिया, ठीक है, और इस राइट को इस लेफ्ट के साथ कैंसिल कर दिया, यानी कि दो राइट और दो लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक राइट बचा। तो क्वेश्चन पूरा खत्म होके क्या बच गया है, ये सारे हमारे राइट लेफ्ट खत्म हो चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन बना है कि नॉर्थ का राइट क्या होता है। तो नॉर्थ का राइट क्या होता है, नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके की कुछ अप्रोचेस हम यूज कर रहे थे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हमारा जो टाइप वन का क्वेश्चन था उसके अंदर हमसे पूछ रहा था फाइनल डायरेक्शन, यानी कि अब व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। स्टार्टिंग डायरेक्शन दिया हुआ था, फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछ रहा था, वो हमारा था टाइप वन। टाइप वन ये वाला अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो टाइप वन के। तो टाइप वन हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप टू। टाइप टू क्वेश्चन में क्या होगा, टाइप टू क्वेश्चन में ये जो हमें अभी तक स्टार्टिंग डायरेक्शन दी होती थी ये नहीं देगा, अभी हमें फाइनल डायरेक्शन देगा कि फाइनली बंदा इस डायरेक्शन में पहुंचा है तो बताइए कि किस दिशा से चलना शुरू किया था। यानी कि टाइप वन में हमें दिया था कि फाइनली किस डायरेक्शन में पहुंच गया है, और टाइप वन में हमसे पूछ रहा है कि फाइनल डायरेक्शन तो मालूम है मगर अब ये बताओ कि उसने चलना किस दिशा से शुरू किया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों टाइप टू के बारे में, टाइप टू में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन है हमारा, ए मैन वॉक इन स्ट्रेट 100 मीटर। अगर मैं हिंदी में पढ़ू तो एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलता है एंड टर्न्स हिज राइट, और 100 मीटर चलना सीधा चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने के बाद एंड वॉक 75 मीटर, दाएं मुड़ने के बाद 75 मीटर फिर से चलता है, अगेन ही टर्न्स हिज राइट, और 75 मीटर चलने के बाद वह फिर से दाएं मुड़ जाता है, एंड वॉक 100 मीटर, और फिर 100 मीटर चलता है, एंड लास्ट ही टर्न हिज लेफ्ट, और 100 मीटर चलने के बाद वह वापस फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाता है, यानी कि बाएं मुड़ जाता है, एंड वॉक 25 मीटर, और 25 मीटर फिर से चलता है। इफ नाउ ही इज वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, कब, इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली अब जो उसका फाइनल डायरेक्शन है वो क्या है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में, बोला है कि वो अब नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। देन फाइंड आउट फ्रॉम विच डायरेक्शन ही इज स्टार्टेड, तो हमें बताना है कि उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था। यहां पे जो हमारा फर्स्ट लाइन दिया हुआ है वो दिया है कि वह सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में किस डायरेक्शन में चला, किस डायरेक्शन में उसने चलना प्रारंभ किया, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में।
और फाइनली वही चीज हमसे पूछ रहा है कि अब बताइए कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं जनरल अप्रोच से, यानी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, और फिर हम इसको समझेंगे अपने शॉर्ट ट्रिक से कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए दोस्तों जनरल होता है कि हम इसका फिगर बनाएंगे, तो हम स्टार्टिंग डायरेक्शन तो कुछ दिया नहीं है, तो हम किसी भी दिशा को हम मान लेते हैं कि उस दिशा में यह चला था। तो मान लेते हैं कि इसने ना ऊपर की ओर चलना शुरू किया था। ऊपर कौन सी दिशा है? अभी नॉर्थ नहीं है ऊपर, अभी कोई भी दिशा हो सकती है। हमने सिर्फ माना है कि उसने ऊपर की ओर चलना शुरू किया। ऊपर की ओर चलना कितना चला हुआ? ऊपर की ओर वह गया 75 मीटर सीधा गया एक स्ट्रेट लाइन में, नहीं 100 मीटर गया स्ट्रेट लाइन में, 100 मीटर गया, और 100 मीटर चलने के बाद वह राइट हुआ। अब देखिए अगर सीधी लाइन में ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइट किधर होगा इसका? इसका राइट होता है क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो यानी कि ये इस तरफ मुड़ गया, और इस तरफ मुड़ने के बाद वापस कितना चलता है? 75 मीटर चलता है। तो राइट मुड़ा, राइट मुड़ने के बाद वापस वह कितना चला? 75 मीटर चला। अगेन ही टर्न्स हिज राइट, 75 मीटर चलने के बाद फिर से राइट मुड़ा। अब बताइए अगर बंदा व्यक्ति अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और राइट मुड़ेगा यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो कहां जाएगा? नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा, तो उसने फिर से नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया। एंड वॉक 100 मीटर, फिर से 100 मीटर चला, नीचे मुड़ के फिर से 100 मीटर चला, और 100 मीटर चलने के बाद एंड लास्ट ही टर्न्स हिज लेफ्ट, अब वह लेफ्ट मुड़ गया। देखिए अगर नीचे की तरफ जा रहा है और अगर क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो इसका राइट हो जाएगा, मगर वह राइट नहीं मुड़ा है, वह कहां मुड़ा है? लेफ्ट की तरफ मुड़ा है। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज इसका हो जाएगा ये, यानी कि ये उसका लेफ्ट हैंड हो गया। एंड वॉक 25 मीटर और 75 मीटर चल गया। नाउ ही इज वॉकिंग इन द नॉर्थ, यानी कि ये इसकी ये जो दिशा है यह है उसकी उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर यह नॉर्थ डायरेक्शन है तो आपको बताना है कि देन फाइंड फ्रॉम विच डायरेक्शन ही इज स्टार्टेड। तो आपको बताना है कि अगर यह अब उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अब यह वाली उत्तर दिशा है, तो आपको बताना है कि ये दिशा कौन सी होगी जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया था। तो देखिए दोस्तों अगर मैं आपको डायरेक्शंस को बना के दिखाऊं यहाँ पे, जैसे कि वहां बना हुआ है, अगर यह नॉर्थ है तो ये क्या होता है? वेस्ट, ये ईस्ट होता है और ये साउथ होता है। अगर मैं इस नॉर्थ को ऐसे घुमा दूं, यानी कि ये जो नॉर्थ अभी ऊपर है इस नॉर्थ को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा आ जाएगी? ऊपर की तरफ आएगी वेस्ट दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा। तो इसने किस दिशा से चलना शुरू किया होगा? इसने पश्चिम दिशा से चलना शुरू किया था। यह हो गया एक जनरल अप्रोच। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम अगर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है, और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो अभी इसी क्वेश्चन को देखते हैं जनरल अप्रोच से, यानी कि हम अपनी ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना होता, कल वाला ट्रिक सभी ने पढ़ा था, सभी को समझ में आया था, हम उसी ट्रिक को यूज करने वाले हैं। बट हमें करना क्या है? देखिए अभी हमें इसका स्टार्टिंग डायरेक्शन मालूम नहीं, मगर हमें यह मालूम है कि किधर किधर मुड़ा था, यानी कि पहले 100 मीटर चला फिर राइट मुड़ा तो लिख लेंगे राइट, फिर से राइट मुड़ा तो फिर से राइट लिख लीजिए, उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा तो लेफ्ट लिख लीजिए। बस 3 बार मुड़ा था, और 3 बार मुड़ने के बाद यह फाइनली किस डायरेक्शन में पहुंच गया था? 3 बार मुड़ने के बाद यह पहुंच गया था नॉर्थ डायरेक्शन। इससे पहले जो हमने इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ये दिया था, ये पूछ रहा था, मगर यहां पर उल्टा है, ऊपर वाला नहीं दिया नीचे वाला पूछ रहा है। तो सॉल्व करने का अप्रोच लगभग सेम रहेगा। हमें क्या करना है? क्या बताया था? एक राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल करना है, यानी कि जितने राइट है उतने लेफ्ट होने चाहिए और उतने लेफ्ट को आप कैंसिल कर दीजिए। अगर एक है तो एक को कैंसिल कर दीजिए, दो है तो दो को कैंसिल कर दीजिए, तीन है तो तीन को कैंसिल कर दीजिए। तो हम एक लेफ्ट से एक राइट को कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब क्या बचा? एक राइट बचा और नॉर्थ बचा। अब देखिए दोस्तों अभी तक अगर हम राइट जाते तो नॉर्थ पे पहुंचते,
ये मान लीजिए ये कोई दिशा है, उस दिशा से हम राइट जाएंगे तो नॉर्थ पे पहुंचेंगे। ये दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो राइट जाएंगे, और अगर बी से ए की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे। राइट का उल्टा लेफ्ट, क्या बताया आपको? ये अगर पॉइंट ए है, आपका मुंह अगर ए की तरफ है, और अगर आपको बी की तरफ जाना है तो कैसे मुड़ना पड़ेगा? आपको राइट मुड़ना पड़ेगा। और अगर आपका मुंह बी की तरफ है और ए की तरफ जाना है तो आप कैसे मुड़ेंगे? तो आप लेफ्ट मुड़ेंगे। बस इसी ट्रिक का यूज करना है। अभी हमें उल्टा जाना है, तो उल्टा जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस राइट को लेफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि यहां पर हमने क्या देखा था, अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो राइट, तो पहले हम क्या कर रहे थे, हम ए से बी की तरफ जा रहे थे, तो हम जो डायरेक्शन हमारे पास थी हम वही यूज किया था। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम बी से ए की तरफ जाएंगे तो जो हमारा राइट था वो क्या बन गया, लेफ्ट बन गया। हमने वही यहां पर यूज किया है कि जो डायरेक्शन यहां पर लिखी हुई है, अगर राइट लिखा है तो उसको लेफ्ट लिख लो, और लेफ्ट लिखा है तो राइट लिखो, यानी कि सारे राइट को लेफ्ट बना दो और सारे लेफ्ट को राइट बना दो, ठीक है? और अब यह क्वेश्चन क्या बन गया, अब यह क्वेश्चन बन गया नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है। तो अभी आपको बताया था नॉर्थ का लेफ्ट यानी कि बेस्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बेस्ट आ गया। तो आपको इतना सब कुछ फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप काउंट करिए कि कितने राइट है और कितने लेफ्ट है। जितने लेफ्ट राइट बराबर है उनको आपस में कट कर दीजिए, जो डायरेक्शन बचेगी उसको उल्टा कर दीजिए, और उस रेस्पेक्टिव डायरेक्शन से वह साइड निकाल लीजिए और वही आपका आंसर होगा। चलिए, आशा करता हूं ये ट्रिक सभी को समझ में आई होगी। अभी इसके और क्वेश्चंस आगे देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए है कि कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में चलना शुरू किया, एक स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू किया, वह 50 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर 200 मीटर चला, फिर राइट मुड़ गया, फिर 100 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर 50 मीटर चला, फिर राइट मुड़ गया, और फिर लेफ्ट मुड़ के सीधा चलता रहा, और अब वह ईस्ट दिशा की यानी कि पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, तो आप बताइए कि उसका स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या था। क्वेश्चन ऐसे ही है, हम अब क्वेश्चन को पूरा ना लेके क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखेंगे, जैसा कि हम क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, हम सिर्फ यही ट्रिक यूज करेंगे। अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन को डायरेक्शन पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें सिर्फ डायरेक्शंस पे ही फोकस करना है, कितनी दूरी चला इससे हमें कोई मतलब नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें पूछा रहा है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, ये है क्वेश्चन को पहचानने की ट्रिक कि आप क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगा दी है। तो इससे पहले जो टाइप वन का क्वेश्चन था उसका लास्ट सेंटेंस होता था नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, पर इस क्वेश्चन में हमें लास्ट में पूछेगा कि विच डायरेक्शन ही इज स्टार्टेड, या हमसे पूछेगा कि बताइए कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन यही है, और सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि वह फाइनली अब ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है, तो आपको बताना है कि उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था, किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अप्रोच क्या रहता है हमारा, अप्रोच रहता है कि एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर दीजिए, और फाइनली क्या बचा, फाइनली जो डायरेक्शन बचा उस टर्न को उल्टा कर दीजिए, ठीक है? एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो गया, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास बचा है लेफ्ट। क्योंकि हमें उल्टी दिशा पूछी है तो इस टर्न को भी हमें उल्टा लेना पड़ेगा, तो इस टर्न को उल्टा लेने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट को बना देंगे राइट। और अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि ईस्ट का राइट क्या होता है। तो ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट डायरेक्शन हमारी ये है, राइट टर्न लेंगे तो कहां पहुंचेंगे, साउथ में पहुंचेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अभी मान लीजिए जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि किसी व्यक्ति ने एक सीधी रेखा में चलना शुरू किया और कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ने के बाद 100 मीटर चला,
और 100 मीटर चलने के बाद वो है बाएं मुड़ा, फिर 20 मीटर चला फिर दाएं मुड़ा, फिर 50 मीटर चला और फिर दाएं मुड़ा, और अब वह फाइनली वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। तो बताइए कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यह होगा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम इसको कैसा लिखेंगे, इस तरीके से। अब निकालते हैं, हमें दिया हुआ है फाइनल डायरेक्शन और निकालना है स्टार्टिंग कि किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अप्रोच क्या है, अप्रोच सिंपल है। अगर आपको राइट लेफ्ट दिख रहे हैं तो उतने राइट लेफ्ट को आपस में कैंसिल कर दीजिए। और अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 2R। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2R को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जो भी डायरेक्शन बचती है उनको चेंज करते हैं। तो क्या हम इसको चेंज करके 2N लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2L का और 2R का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको 2R मिलता है या 2L मिलता है, यानी कि दो L बचता है, दो राइट बचता है या दो लेफ्ट बचता है, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों में ही डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अपोजिट होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, उसमें कोई भी उल्टा करने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, चाहे उत्तर का अपोजिट पूरब बोलो, सॉरी चाहे पूरब का अपोजिट पश्चिम बोलो, चाहे पश्चिम का अपोजिट पूरब बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो ऐसे ही इसको डबल 2R जो बचा है इसको L में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 2R और 2L यानी कि दो राइट और दो लेफ्ट का मीनिंग बराबर होता है, और इसका मीनिंग होता है कि जो भी डायरेक्शन दी है उसको अपोजिट कर दो, उसको उल्टा कर दो। तो वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह ईस्ट आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अप्रोच बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही ईजी है। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक सीधी रेखा में चलना शुरू करता है और कुछ दूरी चलने के बाद वह राइट मुड़ता है, उसके बाद कुछ दूरी चलता है फिर से राइट मुड़ता है, और फिर कुछ दूरी चलता है फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर से कुछ दूरी चलता है और राइट मुड़ जाता है, और फिर से कुछ दूरी चलता है फिर लेफ्ट मुड़ जाता है, और अब वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, अब वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो आपको बताना है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन का टाइप वही है, बस डायरेक्शन चेंज। अभी तक हम मेन डायरेक्शन में चल रहे थे, मगर अब हम आ गए हैं सब डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करने का अप्रोच तो सीधा ही होता है। आपको मालूम है कि जैसे मेन डायरेक्शन होती हैं वैसे ही सब डायरेक्शन होती हैं, सारी सब डायरेक्शन भी 90 डिग्री पे ही एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो अप्रोच वही रहेगा कि जितने भी राइट लेफ्ट दिए हैं उनको आपस में कट कर दो, जितने भी राइट लेफ्ट दिए हैं उनको आपस में कट कर दो, क्योंकि अब यहाँ पे एक ही आर बचा है, एक ही डायरेक्शन बची है, एक ही टर्न बचा है, तो इस टर्न को क्या करेंगे हम उल्टा कर देंगे, राइट दिया है तो लेफ्ट कर देंगे। तो अब जो हमारा क्वेश्चन बन गया है वो बन गया है कि नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट को क्या बोलेंगे, अगर ये डायरेक्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, यहां से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, कितना क्लॉकवाइज, टर्न के लिए मैंने क्या बताया था, टर्न का मतलब है अगर आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं इसका मतलब है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। और यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या मैंने आपको कल बताया था कि नॉर्थ ईस्ट से अगर आप लेफ्ट चलेंगे 45 डिग्री तब आपका डायरेक्शन होगा नॉर्थ, मगर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आपको 45 डिग्री घूमना है, आपसे बोला है कि पूरा राइट टर्न या लेफ्ट टर्न करना है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर यहां पे आया है कि नॉर्थ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है, पूरा लेफ्ट टर्न,
तो नॉर्थ ईस्ट से अगर पूरा लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, 90 डिग्री पे पहुंचेंगे। 90 डिग्री पहुंच के हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन हमारी होगी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो ये है डायरेक्शंस के टाइप टू के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। आशा करता हूं ये ट्रिक आपको बहुत ही आसान लगी होगी। अगर आपको हमारे समझाए गए तरीकों को पसंद आ रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके और वो भी इन सभी फ्री वीडियोस का मजा ले सके। धन्यवाद।